हेलो एवरी वन वेलकम टू स्लीपी क्लासेज आई एम अंशुमन एंड इन इज घटना चक्र सीरीज़ वी आर गोइंग टू सी फाइव क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमी तो आपको क्या करना है क्वेश्चन को देखिए जो भी आपके स्क्रीन पर दिखता है पहले वीडियो को पॉज करिए उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए और फिर जो है उसके आंसर को और एक्सप्लेनेशन को देखिए ठीक है आज के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से कंसेप्चुअल हैं तो आपको अच्छे भी लगेंगे आपका कंसेप्ट अगर आपने ऑलरेडी इकोनॉमी में पढ़ रखा है जैसे कि बजटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक है इस तरह के कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप आज का क्वेश्चन जो है अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे तो हम लोग चलिए करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इन इन कंटेक्सट ऑफ इंडियन इकोनॉमी गडगिल मुखर्जी फार्मूला वॉज एसोसिएटेड विथ अगर हम लोग इंडियन इकॉमी के कंटेक्सट में बात करें तो गडगिल मुखर्जी फार्मूला जो है वो क्या चीज़ से एसोसिएटेड है ठीक है आपको फर्स्ट ऑप्शन है एग्रीकल्चर सब्सिडीज बी इज़ कैलकुलेटिंग फॉरन डेट सी इस्टीमेटिंग दी इन्वॉमेंटल डैमेज कॉज बाई अर्बनाइजेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ फंड्स टू स्टेट्स बाय बाई सेंटर ठीक है तो बताइए सही ऑप्शन क्या है इसका इसका सही ऑप्शन है एलोकेशन ऑफ फंड्स टू स्टेट बाय बाई सेंटर देखिए अप टू थर्ड ईयर अगर आपने फाइव ईयर प्लान के बारे में पढ़ा है आपको पता है प्री नीति आयोग हमारे यहाँ जो है फाइव ईयर प्लान्स चलते थे जब प्लानिंग कमीशन का टाइम था तो उस समय हमारे यहाँ पाँच साल का प्लान बनाया जाता था कि आगे आने वाले पाँच साल में हम लोग क्या करने वाले हैं ठीक है राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस तो अब टू थर्ड फाइव ईयर प्लान जो कि 1961 से 66 तक एंड ड्यूरिंग प्लान हॉलीडे कुछ दिन के लिए फाइव ईयर प्लान को रोक दिया गया था अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो ये हमारे लेक्चर्स में कवर्ड है आप देख सकते हैं ठीक है इवन पेड मॉड्यूल्स में जो है फाइव ईयर प्लान के बारे में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि स्टेट पीसीएस जो है उसका कुछ खास फेवरेट है फाइव ईयर प्लान आप बोल सकते हैं जो फाइव ईयर प्लान्स होते हैं इसमें किस फाइव ईयर प्लान में क्या डिसीजन लिया गया था उसके ओवरऑल पॉलिसी में जो है आपको किस तरफ डायरेक्ट कर रहा था तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अगर आप स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फाइव ईयर प्लान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर प्लान को बहुत अच्छे से आप पढ़िए ज़रूर ठीक है तो यहाँ पर देखिए क्या है अप टू थर्ड फाइव ईयर प्लान जो हम और प्लान हॉलीडे के तो सेंट्रल प्लान असिस्टेंस वॉज अ स्कीमेटिक एंड मतलब जो हमें होता था ना कि सेंटर के पास जो पैसा आता है उसको हम लोग डिवॉल्यूशन करते हैं अब आप तो आपको पता है बहुत सारा जो फाइनेंस uh, कमीशन के द्वारा जो अब टर्म ऑफ रेफरेंसेज दिया जाता है ये लेटर ऑन इवॉल्व हुआ ये सारा चीज़ तो उस समय क्या था सेंट्रल प्लान असिस्टेंस वॉज स्कीमेटिक एंड नो फार्मूला वॉज यूज कोई फार्मूला यूज नहीं होता था कि हम लोग किस स्टेट को कितना पैसा देंगे वहीं पर जो है गडगिल फार्मूला जो है आपका फोर्थ फाइव ईयर प्लान से इंट्रोड्यूस किया गया इसमें कुछ कैटेगरीज कुछ क्राइटेरियाज रखा गया जैसे पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम उसका वेटेज अलग अलग दिया टैक्स एफर्ट्स ऑन गोइंग इरीगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट स्पेशल प्रॉब्लम्स वॉज यूज ड्यूरिंग दी फोर्थ फाइव ईयर प्लान एंड फिफ्थ फाइव ईयर प्लान मतलब इसको जो है एज अ क्राइटेरिया बनाया गया था एलोकेशन ऑफ फंड्स टू स्टेट बाई देंटर ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है रुक के इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिए विच अमंग द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज कैपिटल रिसीड्स ऑफ द गवर्नमेंट कैपिटल रिसीड्स जो है आपको पता है बजट में दो होता है करंट एंड कैपिटल तो कैपिटल रिसीट्स के अंदर जो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इसमें से कौन कौन सा जो है वो कैपिटल रिसीट्स के अंदर आप कंसीडर करेंगे फर्स्ट है बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड सेकंड इज दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थर्ड इज रिकवरी ऑफ लोन्स एंड फोर्थ इज डिविडेंट ऑन गवर्नमेंट एसेट्स ठीक है तो आपको बताना है इसमें से जो चार आपके दिए हुए हैं इसमें से कौन कौन जो है वो कैपिटल रिसीट्स में हम लोग जोड़ते हैं आपको ऑप्शन है वन टू एंड थ्री ओनली टू थ्री एंड फोर ओनली थ्री एंड फोर ओनली टू एंड थ्री ओनली ठीक है तो इसका सही ऑप्शन क्या है इसका सही ऑप्शन है वन टू एंड थ्री ओनली डिविडेंट ऑन गवर्नमेंट एसेट्स जो है दिस इज वी कंसिडर इन दी रेवेन्यू पार्ट ठीक है अब देखिए ये जो है डायग्राम है जिसको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने सारे लेक्चर्स में इवन पेड लेक्चर्स में भी और अगर आपको फ्री इनिशिएटिव के थ्रू देखना है तो आपको पता है एक जो है एक प्ले है इकॉनमी फॉर ऑल मैंने वहां पर जो है बजट बहुत अच्छे से समझाया है और बजट में अगर आप पढ़ेंगे तो रेवेन्यू के रिसीट्स पार्ट में खास करके नॉन टैक्स वाले जो पार्ट होता है उसमें जो है जो डिविडेंड अर्न जो जो गवर्नमेंट जो डिविडेंड अर्न करती है उसको यहाँ पे नॉन टैक्स कैटेगरी में रखती है ठीक है तो ये जो है आपके रेवेन्यू पार्ट में आ जाता है ना कि कैपिटल पार्ट में ठीक है अब यहाँ पर आप थोड़ा सा और भी इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या है कि देखिए रेवेन्यू और कैपिटल हम लोग जनरली कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि रेवेन्यू क्या है और कैपिटल क्या है आपको एक थम रूल बता देते हैं रेवेन्यू अगर आप सबसे अच्छा एक एग्ज़ाम्पल अब आप अपने घर का ले लीजिए ठीक है अगर आप अपने घर का एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो आपके घर में दो तरीके के खर्च होते हैं एक जो कि आपका रोजमर्रा का खर्च है और एक जो आप लॉन्ग टर्म कुछ सोच रहे हैं ठीक है रोजमर्रा का खर्च है कि आपका जो बिल्स आता है आपको बिल पे करना है आपके जितने भी Uh, मतलब फैमिली मेंबर्स हैं उनका उनका टेक केयर करना है तो उसके लिए जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं डे टू डे में उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ठीक है और इसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पूर्ति हम लोग कहाँ से करते हैं जो हम लोग डे टू डे कमाते हैं दैट इज सैलरी ठीक है salary, तो ये सारे काम जो कि आपका बहुत क्विक सक्सेशन ऑफ टाइम पे होता है उसको हम लोग रेवेन्यू पार्ट में रख देते हैं अब देखिए कैपिटल क्या होता है कैपिटल से आपको ये समझ में आ रहा है कि कोई भारी भरकम चीज होने वाला है तो कैपिटल मतलब क्या हुआ कि कैपिटल जो भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अब जैसे फॉर एक्जाम्पल अगर गवर्नमेंट के कंटेक्स में बोलें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनाए पोर्ट्स बनाए रोड बनाए तो इस तरह का जो खर्चर खर्चा जो है वो गवर्नमेंट करती है उसको हम लोग डाल देते हैं कैपिटल में ठीक है अब रिसीट्स की बात करें तो कैपिटल रिसीट्स में क्या क्या आते हैं अगर गवर्नमेंट कोई लॉन्ग टर्म लोन ले रही है बाहर से आई से लोन लेती है वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है तो वो कहाँ पर आ जाता है आपके कैपिटल रिसीट्स के अंदर अब अगर गवर्नमेंट जो है आपको पता है बहुत सारा पब्लिक सेक्टर सेक्टर जो आपका अंडरटेकिंग्स जो है पी एस हैं उसमें अपना इक्विटी डा आपको पता है डाइल्यूट करती है थ्रू अगर आपने एक पढ़ा होगा बहुत इंपॉर्टेंट फंड है जो आजकल यूज होता है दैट इज़ भारत 22 इट इज़ अ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसके थ्रू जो है गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट करती है अब जो शेयर बेचने पर जो पैसा आता है वो कहाँ पर आ जाएगा आपका रिसीट्स में आएगा कौन से कैपिटल ठीक है लेकिन यही शेयर्स पे जो आपका प्रॉफिट या डिविडेंड जनरेट होता है ये हम लोग कंसिडर करते हैं अपने रिसीट्स में कहाँ रेवेन्यू पार्ट में और वो उसके भी किस में नॉन टैक्स में ठीक है टैक्स रेवेन्यू क्या हो गया आपका अगर आप जो है अगर आप बोलेंगे रेवेन्यू पार्ट में अगर टैक्स से जो टैक्स रिसीट्स आता है वो कौन कौन सा है आपका जैसे आपको डायरेक्ट टैक्सेस से आ रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो पैसा आता है उसको हम लोग टैक्स रिसीट्स के अंदर रखते हैं अंडर रेवेन्यू तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको पता चल गया है अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो आप जो है वो बजट वाला जो लेक्चर है उसको आप अच्छे से देख सकते हैं आपका सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेप इज लाइकली टू बी टेकन बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ब्रिंक डाउन इन्फ्लेशन अगर इन्फ्लेशन है किसी कंट्री में और वहाँ पर हमें ऑब्वियसली आपको पता है कौन इंचार्ज होता है मॉनिटरी पॉलिसी का किसी भी कंट्री दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री तो हमारे केस में कौन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो अगर हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आर बी आई मोस्ट लाइकली कौन कौन से स्टेप्स लेगी ठीक है आपको बताना है आपका फर्स्ट है डिक्रीज स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो एस एल आर जिसको बोलते हैं सेकेंड इज इंक्रीज रेपो रेट ठीक है एंड थर्ड इज डिक्रीज कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम लोग सी आर आर वी बोलते हैं तो आपको बताना है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो तो कौन कौन सा चीज़ है जो कि आर बी आई फॉलो करेगी अगर उसे इन्फ्लेशन को डाउन करना है उसे घटाना है तो ए है आपका ऑप्शन वन एंड टू ओनली बी इज टू ओनली सी इज़ वन एंड थ्री ओनली एंड डी इज टू एंड थ्री ओनली सही ऑप्शन क्या है इसका जल्दी से बताइए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड ऑन मॉनेटरी पॉलिसी हमने पढ़ा है बहुत बार पढ़ा है ठीक है इवन करेंट अफेयर्स में भी इसको कवर किया है तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका इंक्रीज रेपो रेट यहाँ पर देखिए बात हो रहा है डिक्रीज डिक्रीज ठीक है आपको पता है चलिए जल्दी, जल्दी से देख लेते हैं और अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको पता है इकोनॉमिक फॉर ऑल इज़ द प्ले लिस्ट वहाँ पर आप जाके सारा कंसेप्ट को देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इन्फ्लेशन को जो तो है कंट्रोल करने का जो Uh, आपको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन आर और अब जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पर है और उसी पर जो है क्या ये करते हैं जब भी इन्फ्लेशन ज़्यादा रहता है तो उस केस में कौन सा पॉलिसी फॉलो होता है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी जिसको हम लोग डियर मनी पॉलिसी या टाइट मनी पॉलिसी भी बोलते हैं ठीक है थीके? अब इसके अंदर क्या होती है गवर्नमेंट जो है वो रेट्स को इंक्रीज करना स्टार्ट करती है तो सबसे प्राइमरी रेट जो है दैट इज़ पॉलिसी रेट जो हम लोग बोलते हैं दैट इज़ रेपो रेट तो सबसे पहले क्या करती है गवर्नमेंट रेपो रेट इंक्रीज कर देती है अगर आप अभी देख रहे होंगे अभी हमने कुछ दिन पहले करेंट अफेयर्स में कवर किया कि हमारा रेपो रेट जो है वो आपको 25 बेसिस पॉइंट या सॉरी 35 बेसिस पॉइंट से जो भी है आपका इंक्रीज कर दिया गया है ठीक है तो ये क्यों कर रही है गवर्नमेंट क्योंकि अपने जो इकोनॉमी में है अभी इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है पॉलिसी रेट्स अगर बढ़ाएंगी तो आपको पता है पैसा जो है धीरे धीरे जो है आप बोल सकते हैं मनी का जो फ्लो है या फिर आप बोल सकते हैं मनी कंट्रोल होगा एक तरह से मतलब लोगों के पास कम पैसा जाएगा और इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ सकता है ठीक है उसी के बाद अगर गवर्नमेंट सी और एल को अगर इंक्रीज कर देती है इससे क्या होता है कि बैंक्स के पास रेस्ट्रिक्शंस बढ़ जाता है मतलब उनको ज़्यादा पैसा एज अ कैश रिजर्व रेशियो में सेव कर मतलब कैश रिजर्व रखना पड़ता है और स्टैचुरी लिक्विडिटी जो है उसको भी उसमें भी ज़्यादा रखना पड़ता है मतलब बॉन्ड्स और शेयर्स में जो रखते हैं ठीक है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में जो है सेव किया जाता है जैसे एस जो है कितना परसेंट है अभी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है तो ये सारे चीज आप जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे पॉलिसी रेट्स उतना ही ज्यादा लैंडिंग कम होगा और उसके उसका रिजल्ट क्या होगा कि इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी में कम हो जाएगा तो यहां आपसे पूछा जा रहा था कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सा पॉलिसी फॉलो करेगी आपका कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी ठीक है मॉनिटरी पॉलिसी और यहां पर उसमें अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही चीज सही है दैट इज़ इंक्रीज रिपोर्टेड क्योंकि इसके अगर आप डिक्रीज़ डिक्रीज़ करते करते हैं और करते हैं और सीआरआर तो फिर फर्दर लेंडिंग बढ़ जाएगा और जो है आप बोल सकते हैं मनी सप्लाई फिर से बढ़ जाएगा तो आपका इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल नहीं होगा ठीक है तो पहला और तीसरा गलत है तो ओनली टू ओनली जो है वो आपका सही आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉम्पोनेट ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ठीक है अगेन देखिए ये जो है आपको पता है दो अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग आगे भी देखेंगे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर देखेंगे तो यहाँ पर बताइए कि जो करेंट अकाउंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट किसी भी कंट्री का उसमें जो यहाँ पे आपको चौ, जो ए बी सी डी दिए गए इसमें से कौन कौन जो है वो करंट अकाउंट के अंदर आप कंसिडर करेंगे पहला है आपका आई लोन बी इज सर्विसेज एक्सपोर्ट सी इज़ मर्चेंडाइज इम्पोर्ट्स एंड डी इज ट्रांसफर पेमेंट्स ठीक है तो आपको बताना है कि इसको आप किसको किसको जो है वो करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में कंसिडर करेंगे ठीक है तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है जल्दी से बताइए इसका सही ऑप्शन है बी सी एंड डी मतलब आई एम एफ लोन को आप कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ठीक है अगेन चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं देखिए हमने पढ़ा ना बजट में हम लोग जब बजट पढ़े थे तो वहाँ पर हम लोग दो हेड्स के अंदर डिवाइड करते हैं एक है रेवेन्यू एंड एक है कैपिटल ठीक है तो वहाँ पर हम लोग जो कैपिटल का कैटेगराइजेशन कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे ठीक है जनरली हम लोग कंसिडर कर रहे थे कैपिटल मतलब क्या हुआ कि कुछ वैसा खर्च जो कि कुछ कैपिटल गुड्स के कंजम्पशन या कुछ कैपिटल वर्थ क्रिएट करने के लिए जो है गवर्नमेंट यूज़ करती है जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बड़ा खर्च के लिए जो कैपिटल अकाउंट को हम लोग कंसिडर करते हैं लेकिन जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात आती है तो यहां पर भी हम लोग करेंट और कैपिटल में डिवाइड करते हैं लेकिन यहां पर कैपिटल का जो मतलब है इस जनरली रिलेटेड टू ड्यूरेशन ड्यूरेशन मतलब क्या फॉर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ठीक है तो आपको समझ में आया यहां पर देखिए आप कंफ्यूज मत करिए बजट के कैपिटल वाले अकाउंट से बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी दो अकाउंट होता है एक होता है करंट एंड एक होता है कैपिटल यहां पर जो कैपिटल है इज जनरली रिलेटेड टू ड्यूरेशन अब ड्यूरेशन क्या है जैसे आपको पता है फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई ये सब जो है थोड़े से ज्यादा टाइम के लिए आते हैं या फिर जैसे लोन अगर गवर्नमेंट लोन लेती है तो वो थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का लिए जो आप बोल सकते हैं एक तरह से फॉरन करेंसी हमारे कंट्री में आ रहा है तो ये जो है दिस इज बेसिकली बेस्ड

अब यहां पर देखिए क्या है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड डेफिनेटली ये किसके अंदर आता है करंट के अंदर अब उसमें सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो ठीक है इसके अलावा इनकम भी होता है ना आपको पता है हम लोग बाहर कंट्री में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं या बाहर हमार जो है उससे हमें कुछ इनकम आता है तो उसको हम लोग इसमें रखते हैं करंट में इसके अलावा कुछ करंट ट्रांसफर्स होते हैं आपको पता है रेमिटेंसेज आते हैं रेमिटेंसेज जैसे इंडिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो गल्फ कंट्री में जाके काम करते हैं तो वहां से आपको पता है रेमिटेंस भेजते हैं डॉलर्स भेजते हैं तो वो भी एक तरह से हम लोग किसके अंदर काउंट करते हैं करंट अकाउंट ठीक है तो यहां पर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट और कैपिटल के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है कि इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन ड्यूरेशन जो क्विक सक्सेशन पे होता है उसको हम लोग जनरली करंट में कंसिडर करते हैं और जो जिस जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए होता है जैसे इन्वेस्टमेंट आया हुआ है या लोन आया हुआ है तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं कैपिटल में लेकिन वहीं हम लोग बजट के केस में क्या देख रहे थे बजट के केस में भी ऑलमोस्ट यही था लेकिन वहां पर कैपिटल हम लोग के हेड्स के अंदर हम लोग वो चीज जोड़ते हैं जो कि बेसिकली कुछ कैपिटल गुड क्रिएट करने के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो भी हम लोग इनकम भी जो आ रहा है वो उसके अंदर हम लोग

थर्ड इज स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड डी इज सॉरी फोर इज लोकल एरिया बैंक्स ठीक है तो सही ऑप्शन क्या है इसका इसका सही ऑप्शन है अर्बन कॉपरेटिव बैंक्स अगर आपको पता है आप रिसेंटली ये देखें लेक्चर नहीं तो इसका लिंक जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ये देखिए कॉपरेटिव बैंक्स का जो हमारे यहाँ है खास करके अगर आप देखेंगे तो इनका जो कैटेगराइजेशन होता है जनरली इनके कि कहाँ पर सिचुएटेड हैं जैसे रूरल और अर्बन ठीक है तो उसमें से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में पहले हम लोग जो कैटेगराइजेशन करते थे वो सिंगल स्टेट और मल्टी स्टेट में करते थे ठीक है लेकिन अब आर ने काफ़ी टाइम से ये जो है इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब एक तरह से आप बोल सकते हैं एम्बिशियस होते जा रहे हैं और वो भी अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रहे हैं तो जब बिजनेस एक्सपेंशन की बात आई तो आर ने बोला कि हम इन इनपे एक डिफरेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करेंगे अब ये फ्रेमवर्क क्या है तो इसको बोलते हैं फोर टायर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसमें क्या है कि टायर वन टायर टू टायर थ्री और टायर फोर में जो है ब्रेक डाउन कर दिया गया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को टायर वन में कौन कौन से बैंक कौन कौन से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होंगे जिनमें ऑल यूनिट यूसी ठीक है एंड सैलरी अर्नर्स ठीक है एंड ऑल अदर यू सी बी हैिपॉजिट ऑफ अप टू जिसका भी सौ करोड़ से ज्यादा जो भी यू सी बी का है उसको अर्बन कॉपरेटिव बैंक मतलब उसको हम लोग जो है टायर वन में डाल देंगे ठीक है टायर टू में कौन सा है हंड्रेड करोड़ एंड अप टू वन थाउजेंड करोड़ इसके बीच में जो भी होंगे उसको टायर टू में वन थाउजेंड करोड़ एंड अप टू टेन थाउजेंड करोड़ इसको हम लोग टायर थ्री में एंड टायर फोर इज बियॉन्ड टेन थाउजेंड करोड़ ठीक है तो आप देख रहे हैं कि जो है जैसे एम जितना 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 आपका बिजनेस पोटेंशियल बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको उस टायर में डाला जाएगा और डेफिनेटली जो आपको आप पे जो होता है ना कि जो नॉर्म्स आपको फॉलो करना पड़ेगा जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है ये सारी चीज़ जो है हर टायर के लिए डिफरेंट है ठीक है तो ये सारे चीज जो है वो किसके लिए लाया गया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंप अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है तो आप जो इकोनॉमी का करंट अफेयर है उसमें लेक्चर वन में जो है इसको अच्छे से कवर किया गया है आप जाके देख सकते हैं ठीक है तो यहां पर हमने कवर किया फाइव क्वेश्चन जिसमें हमने कुछ क्रुशियल कंसेप्ट भी कवर कर लिया है इसी तरह से घटना चक्र में के थ्रू आप जो है फाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए देखिए फाइव क्वेश्चन यहाँ पर डेफिनेटली रहता है लेकिन यहां पर जो कंसेप्ट बताया जाता है वो बहुत बहुमूल्य है वो आपके लिए काफी यूजफुल होगा इससे रिलेटेड आप कोई दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है ठीक है और अगर आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन जाना है तो आपको पता है बाकी प्ले लिस्ट है इकॉनमी फॉर ऑल ये सारे चीज़ प्लेलिस्ट आपके लिए ही बने हुए हैं आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक थैंक यू